Hello students, so today I am back with another video जहाँ पे हम पढ़ेंगे दिल्ली थ्रू द एजेस में पढ़ेंगे कंपनी राज. कंपनी राज कैसे रूल कर रही थी, कंपनी राज है क्या, इसके बारे में फैसेट्स क्या हैं. सो लेट्स गो फॉर इट. ये देखिए, अगर हम कंपनी राज की बात करते हैं तो ये जो टाइम पीरियड पे आप देखेंगे तो दिस इज़ ऑल अबाउट. ये कंपनी राज में जो आपका येल्लो पोर्शन है, अगर हम देखें तो बेसिकली बिफोर 1805 टू 1910 में इनका ये एक्सपेंशन था और ये पीच का है, वो एक्सपेंशन कर रहे हैं फर्दर. तो दिस इज़ द चेंजेस विच वी विल सी. तो इस पूरे चेंजेस में दिल्ली में इनका क्या इम्पोर्ट रोल रहता है, क्या डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चलो आज हम ये सारी एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं. ठीक है, जो हम इसको समझेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे चीज़ें अलग अलग लेवल पर होती जा रही थी. अब आप देखिए कंपनी राज, जब हम कंपनी राज की बात करते हैं तब आप देखेंगे कि कंपनी राज खुद में एक जो टर्म है वो डिस्क्राइब हुई थी, बेसिकली जो डिस्क्राइब की जाती है जब इस पीरियड के लिए जब इंडिया जो रूल किया जा रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज में. कंपनी राज को हम क्या बोल रहे हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आके रूल कर रही थी मिड 18th सेंचुरी में. मिड 18th सेंचुरी में हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आके रूल करती है और पूरा वो कब तक रहती है, 1857 की क्रांति तक. दिल्ली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर क्या बन जाता है, पावर का, कमर्शियल सेंटर का, जो सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ले डाउन कर रहा था. अगर आप बात करेंगे कि दिल्ली की ड्यूरिंग हमने देखते हैं इस कंपनी राज में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, कोई एक चेंज नहीं हो रहा था, बहुत अलग अलग चेंजेस हो रहे थे जहाँ पे उन्होंने अपनी जो डेवलपमेंट है वो आसपास के, इट्स नॉट दिल्ली बट सराउंडिंग रीजन्स में भी हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट शुरू कर दी थी. कंपनी अगर आप देखेंगे इस टाइम पीरियड पे इस्टेब्लिश करती है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर. एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट लिटिगेशन लेजिस्लेटिव फंक्शन होंगे वो कहाँ से होंगे, वो दिल्ली से होंगे. और इसमें हम देखते हैं जो सिटी है वो कैपिटल बन जाती है न्यूली फॉर्म प्रेसिडेंसी, मतलब जिस प्रेसिडेंसी की हम बात कर रहे हैं वो पूरे इस 1803 में क्या होता है, बैटल ऑफ पड़पड़गंज. बैटल ऑफ पड़पड़गंज के साथ आप देखेंगे कि अलग सी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी. इस डेवलपमेंट से आपका जो दिल्ली है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बन जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और जो कि आज जिस कारण हम देख रहे हैं वापस हमारा आज मॉडर्न इंडिया का भी बन रहा है कैपिटल. फर्दर आप देख रहे हो कि न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस कि जो नई नई डेवलपमेंट, नए नए स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं जैसे रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, इन सब में अपने आप में ही आप देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स बन चुकी थी एज अ कमर्शियल एंड अ पॉलिटिकल एक्टिविटी. अब जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी बन गई, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया, साथ ही साथ आपने क्या देखेंगे, इट्स ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी. कमर्शियल जहाँ पे वो ट्रेड कर रहे थे, ट्रेड करने के साथ साथ जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है वो उनको भी सपोर्ट करने लगे. हालांकि आप जब कंपनी का रूल देखोगे तो दिल्ली जो है वो सबसे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में रह रहा है. इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, मैसेकेयर हैं, ऑपरेशन है, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं, कोई एक चीज़ नहीं हो रही, इसमें बहुत मल्टी फैक्टर्ड है. इस टाइम पीरियड पर अगर आप देखो तो दिल्ली कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक कल्चर एंड सोशल चेंज बन चुका है जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया. लोकल पॉपुलेशन में आप देखेंगे इसका बेसिकली ब्लेंड दिखता है ब्रिटिश कल्चर का. अब जब इस चीज़ की हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी अपनी एक पावरफुल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी. पावरफुल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ये अपने आप में इतने संपन्न बन चुके थे बिकॉज इट्स नॉट ओनली कि वो दिल्ली से स्टार्ट कर रहे थे. दिल्ली से तो वो बाद में आते हैं, साउथ इंडिया में वो त्रावणकोर, फ्रेंच, इट्स जो आपकी कैलीकट, सारा इन लोगों ने कितनी सारी अपनी फैक्ट्रीज, ट्रेड यूनिट्स बना के बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर लिया था. तो हम देखते हैं कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो 17th सेंचुरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप में. जो भी आपके रूल और जो भी चेंजेस हो रहे थे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करती हैं. साथ ही साथ आप देखोगे कंपनी कहीं ना कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये अब कैसा ये चीज़ इस्टेब्लिश कर देती है, इट्स अ कॉम्बिनेशन. अपना आपका ट्रेड हो रहा है, डिप्लोमेसी हम देख रहे हैं काफ़ी सारी, चलाकी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, मिलिट्री का भी हम देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट. इट्स लाइक कैसे लोग आके दूसरों पे रूल कर रहे हैं, तो दैट इज़ एन अल्टीमेट कॉम्बिनेशन. कोई एक चीज़ नहीं हो रही, बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट चीज़ें फंक्शन कर रही थी. ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें
अगर हमें इसकी कंपनी राज को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा बैटल ऑफ पड़पड़गंज, जिससे इसकी शुरुआत हो रही है। तो इससे हमें समझ में आएगा कि कैसे, और बैटल ऑफ पड़पड़गंज से भी पहले हमें देखना पड़ेगा कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 में आके अपनी मोनोपली कर रही है। अगर आप देखो तो थॉमस बेस्ट और थॉमस है बेस्ट न थॉमस रो, ये सब जहांगीर के कौन कोर्ट में आते हैं, उनसे उन्हें सी कोल दिखाते हैं, उन्हें चिस्पेक्स दिखाते हैं जो उन्होंने कभी देखे ही नहीं थे, और उनसे वो एक्स्ट्रा ओवर एज ले लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम देखें तो जितने भी पहले के गोल्स थे वो कहीं ना कहीं फोकस किस पे होते हैं, ट्रेड पे, और कहीं ना कहीं ज़्यादा किस चीज़ पे थे कि इंडियन टेरिटरीज को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, बहुत हद तक इस चीज़ से लिमिटेड थे कि इंडियन टेरिटरी को कंट्रोल कैसे किया जाए, और वो सबसे इम्पोर्टेंट किसके थ्रू, ट्रेड के थ्रू। अभी वो एडमिनिस्ट्रेटिव इतना नहीं आएंगे, जब हम 1857 की क्रांति देखते हैं या 1803, 1813, 1833, जब इनकी इम्पोर्टेंट मेजर्स होने लग जाते हैं, जब इन्हें कहा जाता है कि रिफॉर्म्स लाओ, तब से देख रहे हैं। 1803 की बैटल ऑफ पड़पड़गंज के बाद ही जो आपका क्राउन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का क्राउन, वो ये कहता है कि इम्पोर्टेंट चेंजेस और ये इम्पोर्टेंट मेजर्स इनको लाने चाहिए, सो दैट ये कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से बेटर और बेहतरीन बन पाए। इस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी राज अगर हम देखें तो इस टाइम पीरियड पे अब समझना पड़ेगा कि ये तो कैसे उपजी, उपज होने के बाद ये इस्टैब्लिश कैसे हुई। तो इन्होंने बहुत, हम देखते हैं कि डिप्लोमेसी, ट्रेड, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और लोकल रूलर से बहुत ज़्यादा नेगोशिएट किया। जैसे कि आप देखोगे कि फ्रेंच के साथ ये कंटिन्यूसली फाइट कर रहे थे, इट्स नॉट ओनली फ्रेंच यहाँ पे थे, डच भी थे, डैनिश पीपल भी थे, पोर्चुगीज थे, इन्होंने सबको हराया और बहुत सारी बैटल्स लड़ी, त्रेवनकोर से बैटल लड़ी, इट्स नॉट ओनली त्रेवनकोर। उसके बाद इनको हम देख रहे हैं कि मैग्ना काटा भी इस्टेब्लिश होता है, बॉम्बे किंग अपने आप में ही ये डाउरी में चीज़ें चलती हैं। सो इट्स एक्चुअली ए मल्टी फैक्टर थिंग दैट इज हैपनिंग ऑल ओवर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी राज। साथ ही साथ आप देखते हैं हम अर्ली डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। जब हम अर्ली डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात करेंगे तो क्या ऐसी चीज़ें हो रही थी जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसमें इनका फोर्टे, फोर्टे क्या है कि बहुत सारी डिप्लोमेटिक एंडेवर्स ले रहे थे, जहाँ पे कंपनी ने पहले ही मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में इस्टेब्लिश पावर करने से इनकी बहुत अच्छा कंट्रोल आ चुका था। बट अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये काफ़ी डिप्लोमेटिक इंडेवर्स के करेंगे, कि जैसे कि आप देखेंगे कि बंगाल में इन्होंने मोनोपली करी। सिमिलरली इफ यू विल सी से उसी बेस के ग्राउंड पे यू विल सी सच डेवलपमेंट इज ऑल्सो हैपनिंग ओवर दिल्ली इटसेल्फ। अब जो कंपनी राज, अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी राज क्यों कहते हैं, तो ये कंसेप्ट एक्चुअली में बात शुरुआत होती है इंडियन टेरिटरीज के एमर्ज होने के लिए। जो राज है वो हमारा, हम इंडियन टेरिटरी, हम बहुत टाइम से इस बात को बोलते हैं कि राज इज़ द टर्म। जब आप कोई भी अगर किसी के ऊपर हम रूल कर रहे हैं, अगर हम कहीं पे भी अपना पावर को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, दैट बिकम एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। तो कंसेप्ट अगर आप देखोगे कंपनी राज का, वो ग्रेजुअली आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी में, और वो अपनी डोमिनेंस को असर्ट करने लग जाते हैं इंडियन टेरिटरीज में। अगर डिक्लाइन, और दिस इज़ ऑल्सो द टाइम जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था 18th सेंचुरी का। अब राज, राज क्या है, मुगल राज था, दिल्ली सल्तनत अपना राज कर रही थी, चौहान थे, ये सब क्या थे, राज कर रहे थे। तो कंपनी भी अगर जब अपनी पावर ट्रेड से, इकोनॉमी से अपशिफ्ट हो जाएगी पॉलिटिकल पे, तो हम देखते हैं कि दिस टर्म हैज़ बीन चेंज फ्रॉम दी राज। तो कंपनी कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या कोशिश कर रही थी, बहुत सारी ट्रीटीज़ कर रही थी लोकल रूलर्स के साथ, सो दैट उनको क्या मिल पाए, उनको रिसोर्सेज मिल पाए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल पाए, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी मच कॉन्टीन्यूस इन द इंटायर प्रोसेस। अब बैटल ऑफ पड़पड़गंज हमारा टर्निंग पॉइंट होता है। बैटल ऑफ पड़पड़गंज अगर आप देखेंगे तो 1883 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दिस इज समथिंग, द बैटल वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हुआ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया मराठा एम्पायर में। सो वी बट वी विल सी इट्स अ टर्निंग पॉइंट इन द इंटायर हिस्ट्री, जहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया को प्रॉपर आप देखेंगे कि ये डोमिनेट करता हुआ हमें दिख रहा है। इस बैटल की बैकग्राउंड अगर हमें देखने को मिलेगा, सो दैट बिगैन इन द 1803 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं इस टाइम पे एक्सपैंड हो रही थी, इन्फ्लुएंस कर रही थी नॉर्दर्न इंडिया में। सो मराठास के साथ, क्योंकि ये वॉर जो है बैटल ऑफ पड़पड़गंज, इट्स नॉट समथिंग कमिंग अलोन आउट ऑफ इट, बट हम देख रहे हैं मराठास के साथ आती है। तो मराठास ने पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट पीसफुल रिलेशनशिप इंजॉय किया था, दैट इज समथिंग
उन्होंने बहुत लंबे टाइम पीरियड पे वो आराम से एक अच्छा खासा अपना रूल कर रहे थे, पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये कंपनी का टेरिटोरियल, कंपनी की जो अपना लैंड एक्सपैंड करना चाह रहे हैं उसको थ्रेट था, और इसी कारण ये बैटल हुई। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो बैटल ऑफ पड़पड़गंज है वो लोग, उनको लगा ब्रिटिशर्स डोंट नेवर वांट दिल्ली टू इस्टैब्लिश एज देयर कैपिटल, बट बाय द टाइम बट दे फेल्ट कि इसी कारण हम इम्पॉर्टेंट बैटल्स को लेआउट कर लें। तो बैटल ऑफ जो बैटल है हम देखते हैं बैटल और आफ्टरमैथ, ये बैटल ऑफ पड़पड़गंज कहीं ना कहीं 11 सितंबर 1803 में लड़ी जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लॉर्ड जनरल लेक और मराठा फोर्सेस में ये सब मिलके लड़ते हैं। तो एक तरफ कौन कौन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जनरल ग्रैड लेक, मराठा फोर्सेस, ये सब किसके अंडर चल रही हैं, आपकी मराठा फोर्सेस जो हैं वो हैं यशवंत राव होलकर के अंडर आपको देखने को मिलती हैं। ब्रिटिश फोर्सेस कहीं ना कहीं विक्टोरियस होती हैं और वो दिल्ली को कैप्चर कर लेती हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं दिस विक्ट्री, जितनी भी ये जीत थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो नॉर्दर्न इंडिया और फर्दर हम इसका एक्सपेंशन होते हुए देखते हैं। कंपनी राज इस तरीके से दिल्ली और उसके प्रॉस्पेक्ट्स को बहुत हद तक इस्टेब्लिश कर देता है कि कंपनी अब क्या चाहती है। इट्स नॉट ओनली द इकोनॉमिक पावर बट ऑल्सो द पॉलिटिकल पावर दे नीड, एंड दिस इज समथिंग अ वेरी मच ग्रोथ एंड शिफ्ट जिसको हमें दिख रहा है दिल्ली के अंदर और दिल्ली के ऊपर इस्टेब्लिश करने के लिए। दिल्ली अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है जिसमें शाहजहानाबाद और अपने आप में बहुत सारी पॉलिटिक्स हो रही थी, और जो हम देख रहे हैं इसको फर्दर प्रोपेल करती है। अब आपकी बात है कि इकोनॉमिक, जब दिल्ली को कैप्चर कर लिया तो क्या इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रहे होंगे, इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन हो रहा था, रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स। 1856 में आते आते आप देखेंगे लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस ले आए थे। दो जो ट्रेन थी दैट इज़ फर्स्ट इज़ फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, बट साथ ही साथ आप देखेंगे कि थेन दैट इज़ समथिंग इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही थी, साथ में रोड्स, पोस्टल कार्ड्स, पोर्ट्स, इस सब की हम देख रहे हैं दिल्ली में अपने आप में ही इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड गवर्निंग चैलेंजेस। अब जब दिल्ली को पा लिया, दिल्ली ऑटोमेटिकली कभी ये पॉलिटिकली एंटिटी थे ही नहीं, एक कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी जो थी अब वो पॉलिटिकल एंटिटी बन रही थी, जहाँ पे उनको बहुत, उनके लिए क्या चैलेंजेस थे, जो रूलर्स हैं वो बहुत डाइवर्स हैं, मुगल्स कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली इसको इस्टेब्लिश कर चुके थे, बट नाउ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोज हु आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेंड, उनके साथ आके इस्टेब्लिश करना अपने आप में ही एक डिफिकल्ट चैलेंज हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी अपराइजिंग्स हो रही हैं, रेजिस्टेंस हो रही हैं, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस लोग फेस कर रहे थे। नाउ वट वी नीड टू अंडरस्टैंड, अब कंपनी राज, हम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बोलते, आपके सिलेबस में कंपनी राज दिया होगा, ऐसा क्यों? तो अगर आप देखेंगे तो इसका कंपनी राज कहीं ना कहीं लास्टिंग इम्पैक्ट है, लास्टिंग इम्पैक्ट इन द सेंस कि कंपनी का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था रिसोर्सेज का, उसमें जो कंपनी है वो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट डाल रही थी, और उसमें हम देखते हैं सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप में डिफरेंटली चेंजेस हो जाते हैं। इस टाइम पीरियड पे हम देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश के एमर्जेंस है वो इम्पॉर्टेंट इस चीज़ को फर्दर दिया। अब कंपनी राज जो है वो ब्रिटिश इंडिया बना रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बना रही है, जो जाके आप देखेंगे एक प्रॉपर यूनिटी, प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है विद एन इंडियन रिबेलियन ऑफ विद एन इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। ओके, सो अब है रेजिडेंसी सिस्टम। नाउ बट वी नीड टू अंडरस्टैंड रेजिडेंसी सिस्टम। रेजिडेंसी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो रेजिडेंसी सिस्टम अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। व्हाट इज रेजिडेंसी? नाउ कंपनी राज आ गया दिल्ली में, अपने उन्होंने पावर इस्टेब्लिश कर ली बैटल ऑफ पड़पड़गंज 1803 से, वहाँ से उनको चैलेंजेस भी आए कि बहुत सारे लोगों को उन्हें हैंडल करना पड़ेगा। अब बात आती है कि करेंगे कैसे, इन्होंने तरीका निकाला रेजिडेंसी सिस्टम। रेजिडेंसी सिस्टम क्या है कि एक चीफ रेजिडेंट अपॉइंट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, और वो सारी कंपनी और लोकल रूलर्स का रिलेशनशिप मैनेज करेगा। रेजिडेंट क्या करेगा, रेजिडेंट एक इंटरमीडियरी है, इंटरमीडियरी इन द सेंस वो एक बीच में, एक कहते हैं ना, एक एक्चुअली इट्स अ दलाल, और आई कैन से इंटरमीडियरी बिटवीन, जहाँ पे वो लोगों की बात सुनाएगा और कहीं जो कम्युनिकेशन और कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी ने एक पॉलिसीज बना दी बट उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, जितने भी हमारे रूलर्स होते हैं वो तो उनको वही
वही चीज़ें इम्प्लाई करते हैं। साथ के साथ हम देखते हैं ये कंपनी की पॉलिसीज एनफोर्स करने के लिए बन जाती है। तो दिस इज द समथिंग रेजिडेंसी सिस्टम एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनती जा रही है जहाँ पे वो जितनी भी एक्टिविटीज पॉलिसीज लेके आएगा और वो फर्दर कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले जो आपका आते हैं वो आते हैं डेविड ऑक्टरलूनी। डेविड ऑक्टरलूनी हम देखते हैं 1803 से 1825 तक बनते हैं और जो ये रेजिडेंसी सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं। आफ्टर दैट आप देखेंगे इसके बाद कौन आते हैं, विलियम फ्रेजर। विलियम फ्रेजर क्या है, कहीं ना कहीं सर्व क्या करते हैं, ब्रिटिश रेजिडेंट इन दिल्ली, ब्रिटिश रेजिडेंस ही इस्टेब्लिश करते हैं 1815 से लेके 1822 तक। तो 1803 से हम 1825 तक देखते हैं डेविड ऑक्टरलूनी। डेविड ऑक्टरलूनी के बाद आप देखेंगे विलियम फ्रेजर, जो 1815 से 1822 तक जो क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं मुगल कोर्ट में और क्या एक्सर्ट करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस मुगल कोर्ट के अंदर। देन वी विल सी थॉमस मेटकाल्फ। थॉमस मेटकाल्फ 1835 से 1853, अगेन ये इनका क्या इम्पोर्टेंट रहता है, ये अपना खुद का मेटकाल्फ हाउस और छतरपुर टेम्पल की कंस्ट्रक्शन करते हैं। साथ ही साथ ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर कल्चर, सो दिस इज ऑल्सो गेट प्रमोटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। आफ्टर दैट कौन आते हैं, फ्रेडरिक क्यूरी। फ्रेडरिक क्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ब्रिटिश रेजिडेंट में यहाँ पे 1853 to 57, ये बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड पे बनते हैं। ये की फिगर हैं जब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1857 की आपकी क्रांति हो रही है उसमें और जितने भी ब्रिटिशर्स अपोजिशन कर रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं जॉन लॉरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमिश्नर पंजाब के रहते हैं 1853 में और फिर ये यहाँ पे आके वाइसराय बन जाते हैं 1864 से 69 में और ये इंडियन जो आपका क्रांति होगी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं 1857 की। सो डेविड ऑक्टरलूनी, विलियम फ्रेजर, थॉमस मेटकाल्फ, फ्रेडरिक क्यूरी एंड John Lawrence, these all five played an important role in the entire development of the in laying out the entire trajectory of governor generals और जहाँ पे हम देख रहे हैं residency system की। अब हम बात करते हैं judicial और revenue reforms की। जब ये रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं तो ये सिर्फ जुडिशियल कैसे कैसे ला रहे थे कि जुडिशियल मतलब जितने भी प्रोटेक्शन के हैं जस्टिस लेके आएंगे और रिवेन्यू, रिवेन्यू बिकॉज अगर कंपनी बनी ही ट्रेड के ऊपर थी तो ट्रेड को तो ये छोड़ने नहीं वाले थे। तो हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड पर बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं जो इस्टेब्लिश करते हैं ब्रिटिश कॉमन लॉ। ब्रिटिश कॉमन लॉ मतलब कि जहाँ पर सब इक्वल पार्टिसिपेट होके आएंगे, कोर्ट कहीं ना कहीं रिप्लेस कर देता है इस टाइम पीरियड पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिफरेंट लेवल के आपके कोर्ट्स बन रहे हैं जो इम्पीरियल जस्टिस को भी दे रहे हैं। इट इज़ इम्पीरियल जस्टिस मतलब एक तो आप देख रहे हैं कि लोअर कोर्ट हो रहा है, लोअर कोर्ट इन द सेंस जहाँ पे मुगल एम्पायर बैठ रहा था और वैसे ही उसको जस्टिस दी जा रही थी, बट दिल्ली में पावर इस्टेब्लिश करने से बट वी आर सीइंग एक इम्पीरियल लेवल मतलब एक सेंट्रलाइज सर्विस स्ट्रक्चर में भी एक इम्पॉर्टेंट पावर इस्टेब्लिश हो रही है। रिवेन्यू रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो रिवेन्यू जो रिफॉर्म्स है इस टाइम पीरियड पे हम देख रहे हैं जो ज़मींदार्स हैं वो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट टैक्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि तो यही टैक्सेस ही नहीं कंट्रोल हो रहे थे, साथ की साथ हम देखते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हो रही थी कि कहीं ना कहीं फार्मर्स को कंट्रोल करने लगे थे। बिकॉज ज़मींदारी सिस्टम क्या है, ज़मींदारी सिस्टम में आप देखेंगे जब सेंटर और स्टेट जाके लिंक हो जाता है, जब एक वो अपर अथॉरिटी और लोअर अथॉरिटी लिंक हो जाती है तो हम देख रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट चेंजेस हो रहे थे। इसके साथ साथ आप देखेंगे ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं क्या कोशिश कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं लैंड रिवेन्यू के ऊपर। जो भी उनकी लैंड से आय मिल रही है तो वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, जितने भी उनके रिवेन्यू रिसोर्सेज हैं वो उनको बढ़ावा दे रहे थे। साथ ही आप देखोगे कि एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स जैसे कि अब इस टाइम पीरियड पे वेस्टर्न नॉलेज एजुकेशन बहुत हद तक बढ़ गई थी। मीडियम जो हम देखते हैं पहले 1813 के एजुकेशन रिफॉर्म आने से चार्टर एक्ट आता है 1813 में, जो चार्टर एक्ट आप देखोगे 1813 का चार्टर एक्ट आने से बहुत इम्पोर्ट 1813 और 1833
उसके बाद हम देखते हैं 1853, इन सब एजुकेशनल मूवमेंट रिफॉर्म मूवमेंट्स आने से देयर इज एन अनदर क्लास, एक क्लास बन चुकी थी जो क्या चाहती थी कि वो पसंद करती थी इंग्लिश, इंग्लिश फूड, इंग्लिश लैंग्वेज, वियरिंग पेंट कोट। हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड पे हम देख रहे हैं इंग्लिश बाबूज आ रहे हैं, मतलब देयर आर बाय मेंटालिटी दे आर इंडियंस बट दे आर वियरिंग एंड अडाप्टिंग दी वेस्टर्न कल्चर। तो ऐसी चीजें हमें विभिन्न काल में, और दिल्ली एक अपने आप में कैपिटल थी, अपने आप में भी प्रोग्रेसिव रहा है, जहाँ पे वो दूसरे कल्चर्स को रेडिली बहुत लंबे टाइम से उसने अडाप्ट किया था। सो नाउ इट्स अ समथिंग अ न्यू वेव, एक हम देख रहे हैं एक न्यू कारपेट है जो दिल्ली के ऊपर हमें पड़ता हुआ दिखता है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बहुत सारी चीजें इन्होंने चेंजेस ऑटोमेटिकली लेके आई थी। 1829 में सती अबॉलिश होता है एंड देन देयर इज एन विडो रीमैरिज। तो ये सारे रेगुलेशंस, इट्स आल्सो कम आउट विद हैविंग अ पावर ऑफ सीट इन दी दिल्ली इटसेल्फ। अब जब हम कंपनी राज की इम्पैक्ट की अगर बात करें तो ये बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आपको समझने हैं। तो पहली अगर हम बात करें, यस, इनके आने से ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रीज खत्म हो गई थी, और दिल्ली पे इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखता है क्योंकि दिल्ली कहीं ना कहीं अपने आप में एक कैपिटल थी, और कैपिटल में ही जब आप रिसोर्सेज खत्म कर दोगे तो वो सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखेंगे, जितनी भी ग्रोथ होगी वो कैपिटल में होती है। ट्रेड कहाँ से होता है? कैपिटल में होता है। तो ये सब चीजें हम देख रहे हैं, सबसे ज्यादा भारी भरकम नुकसान हमें कैपिटल में ही देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड पे आप देखेंगे कि एक राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास इसमें इमर्ज हो रहा है। दैट इज कि कुछ ऐसे इंडियंस, कुछ जो लोग जो फुल एम्प्लॉयमेंट की इंश्योर कर रहे हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे कि कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ पे आपके इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस बन चुके थे, जो अब पढ़े लिखे थे, तो अब उन लोगों के लिए क्या बनाया गया? वी नो देयर इज अ थ्योरी दैट इज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है कि हम 1833 में थॉमस मेटकाल्फ लेके आते हैं। वो कहते हैं कि हम सबको नहीं पढ़ा सकते, हम सबको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते इंडिया में, हम कुछ ही लोगों को प्रोवाइड करेंगे जो इसकी एक्सेस पाने के लिए, जिनके पास पैसा है। बट उस एक्सेस पाने के साथ अब जो निचला वर्ग है, जो लोअर क्लास है, वो क्या करेगा? उसको भी ये लोग जाके इनको पढ़ाएंगे। तो हम देखते हैं कि इसके साथ साथ जब ऐसी चीजें हुई, जब लोगों के अंदर ज्ञान आने लगा, जब पढ़ने लगे, जब उन्होंने साइंटिफिक एजुकेशन प्राप्त करी, वेद से बाहर निकले, तब उन्होंने समझ में आने लगा इंडिपेंडेंस, अपनी फ्रीडम के बारे में, अपनी नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मतलब समथिंग दे नाउ गॉट अटैच्ड टू द लैंड, अटैच्ड टू द इंडिपेंडेंस आइडेंटिटी ऑफ द आइडिया ऑफ अ नेशन। तो हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट चीजें हो रही थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अब इसी टाइम पीरियड पे दिल्ली के इस्टेब्लिश होने के कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी की हार, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के कारण ही आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा नेशनलिज्म का बीज उग जाता है। और इस बीच में ये ही आपका 1857 की क्रांति में देखते हैं, जो दिल्ली के ही दरबार, और दिल्ली के दरबार में बहादुर शाह जफर के सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो हम ये देख सकते हैं कि इन जो बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट मार्क करती है मिलिट्री, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज और हर एक चीज में, गवर्नेंस, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, और ना कि तो ये, साथ ही साथ हम देखेंगे कल्चरल एक्टिविटीज, आर्ट, नॉलेज, ये सब। अब हम देखते हैं ओरिएंटलिस्ट मूवमेंट। व्हाट इज ओरिएंटलिस्ट मूवमेंट? लुकिंग टूवर्ड्स ईस्ट। जब इतिहासकारों ने ईस्ट की तरफ देखने के लिए देखा तो वो कह रहे कि डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज हो रही थी। अब वो कहते हैं कि जब इट्स विद द कंपनी राज, आप देख रहे हो कि कल्चर एक्सचेंज पॉसिबल हुआ, जहाँ पे ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स का जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, और इंडियंस का कल्चर ट्रेडिशन है, उनके साथ हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। साथ में हम देखेंगे कि इस टाइम पीरियड पे और क्या चीज़ें डेवलपमेंट हो रही थी। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस, लिटरेचर, रिलीजन, रीजन। तो अगर आप, हमने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज इस्टेब्लिश, आर्कियोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश होता है, लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, वाइडर ऑडियंस है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें, और ये सब चीज़ें जो हैं दो अलग अलग रीजन्स में हो रही थी, पर जो अब इसकी सीट बन जाती है वो दिल्ली बन जाती है। साथ ही साथ अब बात आती है आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इनके आने से हम देख रहे हैं, जब रेजिडेंसी सिस्टम आया तो कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट शुरू हो गई मॉन्यूमेंट्स में,
बिल्डिंग्स इनकी आने लगी जो यूरोपियन आर्किटेक्चर के साइड स्लाइड थी, और बेसिकली हम क्या देखते हैं, इंडो सार्सेनिक स्टाइल की आर्किटेक्चर आने का हमें प्रेजेंस देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हो रही थी वो क्या हो रही थी, एस्थेटिक स्टाइल था दैट बिकम अ वेरी न्यू थिंग। एस्थेटिकली डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक पर्सपेक्टिव शेडिंग न्यू एक्टिविटीज दैट ऑलरेडी कम इन टू द इंटायर सिस्टम। लैंग्वेज और लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश जैसे कि हमने पढ़ा कि माध्यम बन चुका था, बट डिफरेंट पोएट्स डिफरेंट राइटर्स इंग्लिश में लाके लिख रहे थे। दिल्ली एक कोर्ट बन गया था जब हम कंपनी राज मतलब एक दिल्ली एक कोर्ट बन चुका था जहाँ पे लोग आके अपनी पावर को इस्टेब्लिश करके एक न्यू जॉनर और न्यू लिटरेचर की बात करते हैं। लेगेसी क्या है इसकी, लेगेसी अगर हम देखें तो ब्रिटिश स्कॉलर्स कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ये बात मानते हैं कि इस चीज़ से एक न्यू लैंग्वेज न्यू लिटरेचर शुरुआत हुई है, जिससे कि संस्कृत पर्शियन तमिल भी हम देख सकते हैं कि क्लासिकल जो लैंग्वेजेस हैं वो पढ़ी जा रही थी ट्रांसलेट की जा रही थी, और दिस एक्चुअली लेड आउट अ क्रॉस कल्चर एक्सचेंज। अगर कंपनी का आज के आने से दिल्ली में स्टैब्लिश होने से इट्स आर्किटेक्चर कल्चर साथ में रेजिडेंसी सिस्टम एक पॉलिटिकल ऐसा फाउंडेशन बन जाता है जो 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति के बाद भी प्रॉपर इंश्योर करता है। अगर हम पॉलिटिकल लेगेसी देखें तो कहीं ना कहीं दिस इज समथिंग सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। अब ये इंपॉर्टेंट सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है कि बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज हो रही थी सेंट्रलाइज भी, हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही थी पूरे लैंडस्केप पे, ना कि तो इंडिपेंडेंस बट पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बावजूद भी। साथ ही साथ आप देखेंगे इसके साथ साथ क्या हो रहा है, सोशल और कल्चरल लेगेसी जैसे हमने किया, बहुत सारे रिफॉर्म्स इनइक्वालिटीज हट गई, सती हट गया, विडो रीमैरिज हो गया, स्लेवरी 1833 में बैनिश हो जाता है। सो ऐसे आपको जस्ट रिमेंबर जस्ट कम आउट विद सर्टन रिफॉर्म्स मेजर्स, और ये हम देख रहे हैं सिर्फ पॉसिबल होता है कंपनी राज के आने से। सर अब हम हिस्टोरियोग्राफी में अब हम बात करेंगे जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चों आंसर राइटिंग में, कि कैसे इतिहासकार इसे कैसे देखते हैं। ये जो हमने पढ़े गुट कि कैसे लोग देख रहे हैं, सो उसमें एक ओरिएंटलिस्ट था। ओरिएंटलिस्ट के साथ साथ अब और भी जो लोग हैं जैसे कि आप देखेंगे जेम्स मिल कहते हैं कि जो ब्रिटिश थी वो कहीं ना कहीं दिल्ली में हम देखते हैं आई, और उसको हम ऐसे देख सकते हैं एज अ सिविलाइजिंग फोर्स, कि ये ऐसी ताकत बन चुकी थी कि लोगों को पढ़ाने लिखाने और उनको सिविलाइज उनको शासित शोषित पोषित करने में लगी रही। अनदर हिस्टोरियन माउंटस्ट्रेट एल्फिनस्टोन, एल्फिनस्टोन बात करते हैं अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, वो डिटेल अकाउंट देती हैं इंडियन हिस्ट्री का और बात करते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव्स की, कैसे ब्रिटिश रूल आ रहा है, ब्रिटिश रूल और उसके गवर्नेंस की किस तरीके से हम उनके ऊपर राज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे जो नेशनल हिस्टोरियन है लाइक आर सी दत्त, जवाहरलाल नेहरू, आर सी दत्त अपनी किताब में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल बात करते हैं इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस की, कैसे क्या और कि क्या कारण बन चुके थे कि जब कॉलोनियल इकोनॉमी आ रही थी तो कॉलोनियल इकोनॉमी ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन की। हम देखते हैं कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ये सब स्पेसिफिकली दिल्ली से ख़त्म हो जाती है। आर सी दत्त इस बारे में बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इसमें कोई एक नहीं है, बट अगर हम देखें कि ब्रिटिश रूल के आने से ही भारतीयों को जैसे अभी हमने बात की कि नेशनलिज्म की बात होने लगी, तो उसी के आने से ही इनको रियलाइज होने लगा कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। साथ में अब आर पाल्मी दत्त बात करते हैं, ये मार्क्सिस्ट व्यू देते हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक और सोशियोलॉजी का स्ट्रैंड करेंगे। बात करते हैं कि इस टाइम पीरियड पे अगर हम देखें तो हमारी जो भारत देश है वो फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में बदला, जो ब्रिटिशर्स आए उनके उन्होंने हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आए, न्यू डेवलपमेंट्स लेके आए, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आए जो सामंतवाद को ख़त्म करके, मतलब सामंतवाद इन द सेंस जब पावर बहुत छोटी छोटी पॉकेट्स में डेवलपमेंट हो रही थी इकोनॉमी, अब वो कहीं ना कहीं जाके रैपिड ग्रोथ हो रही है। इरफान हबीब अपनी किताब में कहते हैं कि इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हो रहे थे मुगल इंडिया में जो इम्पोर्टेंटली लेके रखते हैं सारा ट्रांसफॉर्मेशन ब्रिटिश रूल का पॉपुलेशन का। अब सब आल्टन हिस्टोरियोग्राफिक देखते हैं कैसे देखते हैं, सब आल्टन वो लोग होते हैं वो इतिहासकार जो निचले वर्ग को देखते हैं, निचले वर्ग इन द सेंस पुअर पीपल को, जो पुअर लोग होते हैं
ऐसी सोसाइटी को देखते हैं हम, देखते हैं उन सब का भी इम्पोर्टेंट मेजर और उनका वी कैन से इम्पोर्टेंटली कॉन्ट्रीब्यूशन लेके आते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो सबाल्टर्न हिस्टोरियन है सर राघाजीत गुहा की क्या इम्पोर्टेंट मेंशन है राणा जो गुहा द प्रेजेंस ऑफ द पॉलिटिकल एलिमेंट्स एस्पेक्ट्स ऑफ एलिमेंट्री एस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनी इंडिया। इसमें वो बात करते हैं कि कैसे जो प्रेजेंट्स थे अवध में स्पेसिफिकली और जो आसपास के दिल्ली के रीजन्स थे उनकी हम देखते हैं कि इतिहास में इन लोगों ने कोई बात ही नहीं करता। अगर कंपनी राज के आप जितने भी आर्काइव देखोगे तो ये पिछड़े ही रह जाते हैं। पार्था चैटर्जी अपनी किताब में लिखती हैं कि कहीं ना कहीं हमें बात समझनी पड़ेगी कि नेशनल आइडेंटिटी जो है भारत की वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल और नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में खत्म होने को देखने को मिलती है। अब पोस्ट कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी की जब हम बात करेंगे दैट इज कि जब आज़ादी के बाद लोगों ने लिखना शुरू किया तो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक वो क्या कहती हैं कैन सबाल्टर्न स्पीक अगेन, वो यही बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे बट सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं थे बट ऐसे बहुत से लोग थे जिनकी हम देखते हैं आवाज़ें और जिनकी बातों को कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल नरेटिव में आई ही नहीं है। दूसरी तरफ है दीपेश चक्रवर्ती जो बात करेंगे कि कहीं ना कहीं ये काफ़ी यूरोसेंट्रिक हिस्टोरिकल नरेटिव देता है। ये अगर हम बात करेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल थॉट चक्रवर्ती के कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली बात कर रहे हैं कि जितनी भी वो नॉन हिस्ट्रीज को बात कर रहे हैं कि कैसे ये कहीं ना कहीं सेंट्रल और ग्लोबल हिस्ट्री पे ज़्यादा फैक्ट कर रही है, सेंट्रल और ग्लोबल हिस्ट्री पे ज़्यादा कंसिडरेट कर रही है और बाकी सब हिस्ट्रीज को पीछे छोड़ते जा रही है। तो अब देखेंगे कि एक डिफरेंट हमें अंडरस्टैंडिंग गेन हो रही है जिसमें डिफरेंट लेयर का आपको एनहांसमेंट देखने को मिलता है। विद दिस वी विल एंड विद दिस व्हाट इज कंपनी राज हिस्टोरियोग्राफी अलग अलग लोगों के स्ट्रैंड्स कि क्या इसका इम्पैक्ट रहा पेट्रोल और पड़पड़गंज के साथ ये शुरू हुई। सो इसके साथ ही आपका खत्म होता है ये टॉपिक। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है कुछ भी है तो आप मुझे नाउ दिस व्हाट्सएप नंबर इज एक्टिव, ये मुझे पता था कुछ बीच में दिन रह गया था अभी वापस मैंने एक्टिव कर दिया। तो यू कैन आस्क योर क्वेरीज ओवर हियर, यू कैन कमेंट इट डाउन तो और भी बच्चे सीख पाएँ और भी देख पाएँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको स्टिल और इसके नोट्स अच्छे से बना सकते हो आई एम सो सॉरी फॉर द डिलेज बट नाउ आपको यू विल गेट ऑल द वीडियोज वेरी वेरी सून। आपको सारा सिलेबस मैं जल्दी से जल्दी आपका भी कवर करा दूंगी। बाय गाइस।